तो आज के इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं पर डीएन कॉलेज यानी कि दाऊदनगर कॉलेज दाऊदनगर के यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो सेशन 22 से 25 यहाँ ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए चल रहा है। जैसे पार्ट वन में एडमिशन के लिए 22 से 25 सेशन है, उस 22 से 25 वाले सेशन में आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। तो उस कॉलेज का अप्लाई करने के लिए मैं इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि डॉक्यूमेंट इनमें क्या क्या लगने वाला है और कैसे कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, आपको सूची में नाम आ जाएगा, तो उसका मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कॉलेज से किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, जॉब से रिलेटेड किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए या ऑनलाइन प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और जितने भी फ्रेंड हैं सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा ताकि जब जितने भी कॉलेज का एडमिशन के लिए अप्लाई होना है उन सभी का मैं वीडियो सभी का लगभग बना चुका हूँ। तो जैसे आपको औरंगाबाद जिला में जितने भी कॉलेज हैं जैसे कि यादव कॉलेज हो गया, सिन्हा कॉलेज हो गया, डीन कॉलेज हो गया, इस तरह का मतलब जो भी कॉलेज है उन सभी का मैं वीडियो बना चुका हूं। तो आप सभी को जितने भी कॉलेज का वीडियो देखना तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां से कमेंट कर दीजिए और जिसको वीडियो बनाना हो मैं उसको वीडियो बना दूंगा। फिलहाल वैसे पहले से ही वीडियो बना हुआ तो उन सभी का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा जहां से आप जादव कॉलेज का, सिन्हा कॉलेज का, इन सभी कॉलेज का अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा आपको डीएन कॉलेज यानी कि दाऊदनगर कॉलेज दाऊदनगर के लिए अप्लाई करने के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आपको आना है इस वाले वेबसाइट पर, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या तो आप टाइप करेंगे गूगल में दाऊदनगर डीएन कॉलेज तो आप ये वाला आपको वेबसाइट है, ये वाला वेबसाइट को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा जहां से इस वाले वेबसाइट पर चले आएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको पहले इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन एडमिशन का एक ऑप्शन है या तो नीचे यहाँ पर पॉपअप में चल रहा है पार्ट वन डिग्री यहाँ पर सेशन 22 से 25 के लिए। तो क्या करना है कि ऑनलाइन एडमिशन वाला पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आप जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर डिग्री एडमिशन अप्लाई फॉर्म इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सभी डिटेल बताया गया है कि इस तरह से अप्लाई करना है, आप इसको रीड कर लेंगे, मैं रीड कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्लिक है अप्लाई डिग्री एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर पेज ओपन हो गया है, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जस्ट लाइक इसी तरह से यादव कॉलेज का अप्लाई करना है जो औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट में आपके है, तो उसका भी वीडियो पहले से बनाया हुआ है और सिन्हा कॉलेज का अगर वीडियो चाहिए तो उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डालना है, स्टूडेंट के फादर का नाम। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में आप ध्यान दें, कैटेगरी आप बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ सही से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बीसी वन के लिए ईबीसी यहाँ कैटेगरी दिया गया है और बीसी टू के लिए बीसी दिया गया है और एससी एसटी के लिए तो आप जान ही रहे हैं और जनरल के लिए जान ही रहे हैं। उसके अनुसार से यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करें क्योंकि अगर कैटेगरी आपका गलत हो जाएगा तो आपको सूची में नाम आने में आपको समस्या हो सकता है, तो इसलिए आप यहाँ पर कैटेगरी को अच्छी तरह से सोच समझ कर यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। इसके बाद आधार नंबर है तो यहाँ पर यस यू नो अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। अगर आधार नंबर यस करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल अगर दिव्यांग होंगे तो यहाँ पर यस यू नो अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन स्ट्रीम यहाँ पर यानी कि आपने इंटरमीडिएट जो किया है, साइंस किया है, आर्ट्स किया है, कॉमर्स किया है, उसके अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जैसे आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड, अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने इंटरमीडिएट किस वर्ष पास किया यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट का रोल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर यहाँ तक मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपने अनुसार जो सब्जेक्ट वहाँ पर आई ए आई एस सी आई कम सेलेक्ट किए होंगे उसके अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है, इसमें सेलेक्ट करना है, इसमें, इसमें और इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना सब्जेक्ट का नाम और उसमें टोटल में 100 नंबर जो आता है इसमें से 100 नंबर उसके अनुसार से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए 100 नंबर आया है, 100 नंबर में कितना नंबर टोटल आपको आया है, 100 नंबर के क्वेश्चन में कितना नंबर आया है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी होगा उसके अनुसार यहाँ पर नंबर अपना डाल लेंगे जितना नंबर आया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि सेलेक्ट स्ट्रीम करना है, अपनी जो अप्लाई कर रहा है बीए में एडमिशन के लिए तो बीएससी के लिए कर रहा है या बीए के लिए कर रहा है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना हो। जैसे मैं आपको शो कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इससे पहले मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम साइंस लेते हैं या साइंस लेते हैं आईएससी, तो आईएससी के अनुसार से यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। इस तरह से बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पासिंग ईयर जो भी होगा जैसे अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे फिजिक्स हो गया और यहाँ पर केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी हो गया, इस तरह से सेलेक्ट करना है, या मैथ हो गया या इंग्लिश हो गया, अपने अनुसार इस तरह सेलेक्ट करेंगे। और जितना नंबर 100 में यहाँ पर आया हो यहाँ पर टाइप करेंगे,
इसमें फिजिक्स में मान लीजिए यहाँ पर 100 में मेरा 80 नंबर आया था, यहाँ पर 80 इस तरह से टाइप करेंगे। तो इस तरह से सभी में डिटेल भर लेंगे जो जो सब्जेक्ट यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस वाले में सेलेक्ट करना है, जैसे आपको बीए लेना है या बीएससी लेना है इसको अनुसार सेलेक्ट करें। जैसे बीएससी मैं ले रहा हूँ, बीएससी लेने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपको ऑनर्स, कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं बीएससी में। जैसे मैं फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहता हूँ। आप एक बार ध्यान देंगे, जो भी ऑनर्स आप लेना चाहेंगे उसमें आपको 45 नंबर कम से कम होना चाहिए, तभी अगर यहाँ पर आपको एलिजिबल होगा, नहीं तो आपको नॉट एलिजिबल शो होगा। तो नॉट एलिजिबल आपको शो होगा तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपका नाम फिर लिस्ट में नहीं आएगा। तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि जो भी आपका 45 नंबर से ऊपर होगा तभी आप यहाँ पर अपना ऑनर्स सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस फिलअप कर देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पर आप फिलअप कर लेंगे। इसके बाद स्टेट का नाम, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद पिन कोड, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे सही वाला जो चालू होगा, इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे सही वाला जो चालू होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका फ़ोटो है अपना फ़ोटो डालेंगे, लेटेस्ट फ़ोटो ही डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, इसके बाद यहाँ पर अपलोड करना है इंटर का डॉक्यूमेंट, इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। एक बात और ध्यान दें कि जैसे ही सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अपना एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे अपने अनुसार, जो कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना उसके अनुसार यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगर जनरल सेलेक्ट करेंगे तो जनरल में आपको EWS अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ दे सकते हैं। अगर SC ST देंगे तो SC ST का यहाँ पर सर्टिफिकेट देना होगा। तो इस अनुसार से आपको यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्योंकि जाति भी लगेगा, आधार कार्ड। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी एक बार क्लियर करता हूँ, पहले आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, 12th का मार्कशीट और यहाँ पर जाति, 7 डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट रख लेंगे, इसके बाद ही अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल सारा फिलअप बता दिया हूँ, अब मैं फिलअप करके शो कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट था सभी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लिया हूँ। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नंबर इस तरह से आप फिलअप कर लेंगे सही से, और फिलअप करने के बाद आपको इस तरह से आपको फोटो, सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, 12th का मार्कशीट, इसके बाद सबमिट वाला पर क्लिक कर लेना है। मेरा यहाँ पर ऑनर्स यहाँ पर छूट गया है, मैं यहाँ पर ऑनर्स यहाँ पर एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फिजिक्स मेरा ऑनर्स था, चलिए मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद मैं चलिए सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर सबमिट पर जैसे क्लिक करें तो पेज कुछ ऐसा देखने को मिले। प्रीव्यू में आपको इस तरह से आपको पेज मिला लेना है, सही तरीके से पेज को मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर पेमेंट का मोड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर चलिए पेमेंट मोड में यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके अनुसार जो भी आपका यहाँ पर होगा अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं डेबिट कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद प्रोसीड पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो पेज इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको पे करना है 200 रुपया, फिर यहाँ पर शो कर रहे हैं। पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और पेज इस तरह से मिलने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर अपना कार्ड पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे, और यहाँ पर सभी डिटेल इस तरह से शो हो जाएगा। और शो होने के बाद यहाँ पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे, यहाँ पर पे जो भी इसमें से कार्ड आपके पास हुआ सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर मंथ, ईयर, CVV, इसके बाद यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ से पेमेंट करके आप अपना सभी डिटेल कंप्लीट कर लेंगे, और इसका जो पेमेंट करने के बाद जो प्रिंट निकलेगा उस प्रिंट को अपने कॉलेज में जाकर जमा कर देना है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी सॉल्यूशन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है, इसमें अगर कहीं भी समस्या आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर और भी किसी भी कॉलेज का अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा।